पता नहीं क्या बात हो गई, पता नहीं क्यों आज केके नाराज हो गई। दशरथ जी को रास्ता तक नहीं दिखता था, भय के मारे। गोस्वामी जी ऐसे लगते हैं जैसे कोई भवन के किसी कोने में वीडियो कैमरा लेकर के बैठे हों और फोटो खींचे जा रहे हो। भाई पास अगहुड़ पर ही न पाओ, डर के मारे पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। और गोस्वामी जी ने कहा, देखो आश्चर्य, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, देवराज इंद्र जिसके डर से थर थर कांपता है, दुनिया का एक से एक प्रतापी से प्रतापी वीर व्यक्ति जिनके चरणों में प्रणाम करके अपना सौभाग्य समझता है। और तो कौन कहे, एक बार तो जो शनि देव से भी लोहा लेने के लिए चल पड़े, ये शकट वेतन नहीं होने दूंगा मैं। यदि शनि देव सूर्यवंशी हैं तो मैं भी सूर्यवंशी हूं, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा व्यक्ति आज केके के सामने भी जा रहा तो घबराते डरते भी जा रहा है। केके को हाथ लगा करके पूछना चाहा, क्या बात हुई? और केके ने हाथ को इतने जोर से झटका दिया। दशरथ जी ने बहुत बहुत प्रकार से मनाने की कोशिश की, केके क्या हुआ? सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप कर। क्या शब्द हैं, 60,000 वर्ष का बूढ़ा अपनी पत्नी को यदि ये शब्द बोले तो दीवालो को शर्म आने लग जाए। नव विवाहित दंपति ऐसा बोले तो शोभा देता है, लेकिन 60,000 वर्ष का बूढ़ा जिसकी 4 बेटी जिनकी शादियां हो गई और वो अपनी पत्नी से ऐसा सब शब्द बोले, सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी गजगामिनी, ये कोई शब्द बूढ़े के बोलने लायक? और ठाकुर ने देखा दशरथ के अयोध्या में अभी काम राज्य है, और जहां काम राज्य हो वहां राम राज्य नहीं होता है। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रवि रजनी एकठा। कि कहीं तुम्हें पता है आज तुम्हारा मन भया हो रहा है। भामिनी भय तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। भामिनी आज तेरा मन भया हो रहा है, तुमने मुझे कितनी बार कहा याद है? राम को राष्ट्रक और ये सुनते लगता था जैसे नक्श सिख तक एकदम जहर लहर गया उसके शरीर में, 440 वोल्ट का करंट झटका मार गया। लेकिन अभिव्यक्ति नहीं की है। स्त्री चरित्रम पुरुष भाग्यम, नीतिकारों ने कहा, देवो न जानाति कुतो मनुष्य, देवता नहीं जानता है मनुष्य की तो क्या बात है। तू बता आज इतनी उदास क्यों है? राम का कल राष्ट्रलेख होने वाला, तू उदास है? तू जो चाहे वो मैं तुम्हें दूं, बोल। कहो कई रंग कै करो नरेशु, कहो के नृपति निकासो देशु, सकव तोर अरि अमरी उमारी, काह कीट बपुरे नर नार। किसने तेरा अपमान किया, किसने तेरा कुछ किया है? तू हुक्म तो करके देख,
बोल किस गरीब को राजा बना दूं, किस राजा को देश निकाला दूं, किस अमर को मार के उसके प्राण निकाल लूं। आज तक जो मांगना हो समान और कह कहने का चुप करो ना, क्यों बिना मतलब का दिमाग खराब करते मेरा। ये मांग 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 शब्द हजारों बार मैं सुन चुकी, आज कोई पहली बार नहीं सुन रही, बहुत बार सुन चुकी। कभी अपने दिया, बहुत बार कह चुके, जब भी कोई त्योहार आता है, जब भी कोई खुशी का मौका आता है, आप झट कहते कुछ मांगने के लिए, लेकिन याद है आपने दो वरदान मुझे मांगने के लिए कहे थे, अभी तक नहीं दिया आपने, क्या दोगे? और मैं जानते हो कितने आप दानी है। दशरथ जी ने कहा बिसरी गयो मोय भोर स्वभाव, मैं तो भोला भाला हूं, भूल गया था। अरे धोखे कौन के, दोई के चार मांग मुकले, धोखे बदले चार ले लेना। कहके ने कहा दोई दे दो तो बहुत बड़ी बात है, चार क्या दोगे आप? दो वरदान तो आज तक दिए नहीं, चार की बात करते हो, नापोगे 70 हाथ दोगे आदि हाथ भी। दशरथ जी ने कहा मांग सुनो, आप देना ही चाहते हो तो फिर सुनो। सुनहु प्राण प्रिय भामत जी का, देहु एक बर भरत हिटी का, दी बर भर तहिते। हे प्राण प्रिय, मुझे जो प्रिय लगने वाला वरदान है, पहला तो यह है आप भरत को टीका कर दो। दशरथ जी ने अब तक यह समझा कि कैकेयी पहले बहुत बार कह चुकी है कि अब हम भजन करने के लिए जाए तो राम को रास्ता लिख दे दो, लेकिन लगता है कैकेयी राम के बिना जी नहीं सकती है, इसलिए मानो अभी कहना चाह रही है अगले शब्दों में कि भरत को तो यहां का राज संभाला दो और हम लोग राम जी को लेकर के चल पड़े वन में कहीं। यही अर्थ किया। आगे ये मांगेगी, ऐसा तो दशरथ जी ने कभी सपने में कल्पना तक नहीं की थी। मांगू दूसर वर कर जूरी। अरे भाई बहन, ये दूसरा वरदान जो कैके को मांगना है ना, ये दूसरा वरदान मांगने के लिए पहले उसको कितना तैयार होना पड़ा है। पहला वरदान कितना जल्दी मांग लिया, देहु एक बार भरत टीका, लेकिन दूसरा वरदान राम जी ने कहा इसलिए मांगना पड़ेगा, पर कलेजे को बहुत पत्थर का बनाना पड़ा है। मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुर ममुनाथ मनोरथ मो। दूसरा वरदान मैं आपसे ही चाहती हूं। तापस वेश विशेष उदासी, मानो ये भी कहना चाहते कि भरत राजगद्दी पर बैठ जाए और हम लोग तपस्वी के वेश में विशेष उदासी का संकल्प लेकर के अब राम को लेकर चल पड़े। अभी भी कई कई बोल नहीं पाई जो बोलना चाहती थी, उसने अपने आप को कितना असहाय पाया होगा कि हरे कहीं कोई सहारा नहीं मेरे लिए।
और जो मूल बात कहने लगी बड़ी मुश्किल से कह पाई। चूदह बरिस राम वनवास राम वनवास 14 वर्ष के लिए राम वनवास। दशरथ जी की आंखें खुले की खुली रह गई, भीतर का श्वास भीतर रह गया, बाहर का श्वास बाहर रह गया, कुछ बोली बोलते नहीं मनती थी। कहीं कहीं मजाक तो नहीं कर रही है, मजाक कर रही है तो जल्दी बोल, दूसरा वरदान तुमने अच्छा नहीं लगा, पहला वरदान मुझे अच्छा लगा। मोरे राम भरत दुई आखी, सत्य कहूं करे शंकर साखी, शिव साक्षी है मेरे लिए राम और भरत दोनों तो आंखों के समान है। मैंने तो रकुल की मर्यादा के अनुसार सोचा कि बड़े को अब तक राज तिलक मिलता आया है, इसलिए राम को मैं राजगद्दी पर बैठा दूं। मेरे दृष्टि में राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। कल सवेरे मैं भरत को बुलाता हूं, उसको राजगद्दी पर बैठाता हूं, लेकिन तू दूसरा वरदान जो मांग रही है इसको वापस ले ले, यदि राम मन चला गया तुम्हें जी नहीं पाओगे। मेरा प्राण राम के दर्शन से है। कैकेयी ने कहा राम वन चले गए तो आप नहीं जी पाएंगे और यदि राम वन नहीं गए तो मैं नहीं जी पाऊंगा। होत प्रात मुनि वेश धरी जोन राम मन जाए तो मोर मरण रावर अजस नृप समझी मन आए। दशरथ जी ने कहा यदि राम वन चला गया तो मेरी मृत्यु तेरा कलंक। कैकेयी ने कहा तो सुन लो, यदि राम वन नहीं गया तो मेरी मृत्यु आपको कलंक। दो में से एक की मृत्यु और एक को कलंक होना है तो मैं एक बात कहूं, कलंकित जीवन से जीना तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। संभावित से चाकृति मरणा दी तेरी चले, संभावित कहा अब जस लाभु मरण कोट से मुदारुण दाहु, संसार में अपमानित जीवन जी करके तो जीने से तो मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा है। मैं मर जाऊंगा तो तेरे कलंक लगेगा। कैकेयी ने कहा मुझे तो महल में रहना है, मुझे कहीं बाहर नहीं निकलना। आपको तो बाहर निकलना है, दुनिया आपको कलंक लगाए मुझे देखा नहीं जाएगा। और फिर देखो एक बार, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पदार्थ है ना, यदि राम बन जाते हैं तो राम को धर्म होगा। सो मैं धर्म सुलभ कर पावा, राम को धर्म होगा, भरत को अर्थ मिलेगा, कामना मेरी पूरी होगी, मोक्ष आपकी हो जाएगी। क्या बंटवारा किया है, क्या गारंटी है कि मोक्ष हो जाएगी। कैकेयी जानती है जीवन में मरना तो सभी को है, आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन किसी मरना ही है सबको। जातस्य ध्रुव मृत्यु, मरना तो पड़ेगा ही। यदि राम का चिंतन करते करते मरेंगे तो इनकी मोक्ष हो जाएगी, और बाद में यदि कभी मरे, बीमारी हुई, कुछ ऐसा हो गया, कोई दुर्घटना घटी और बाद में कुछ ऐसा हुआ, बाद में मरे तो फिर इनका इनका मोक्ष नहीं होने वाला। और कैकेयी ने सब मांगा क्यों, इसके पीछे भी एक बड़ी दूरदृष्टि है। राम जी ने जो बचपन में मांगा वो तो कारण है, एक कारण ये भी है, तापस अंध शाप सुधे आए, 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 कौशल्य सब कथा सुनाए, कौशल्य सब कथा सुनाए। कुछ समय पहले दिल्ली में 9 दिन तक केवल कैकेयी प्रसंग ही चला।
इतने ही दूर कैकई ने इसलिए वरदान मांगा। एक दिन श्री दशरथ जी ने कहा कैकई को, कैकई मेरा जब विवाह नहीं हुआ था मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का लगा था। एक व्याघ्र अयोध्या के लोगों को सता रहा था। मेरे पिताजी ने मुझे आज्ञा की थी कि कैसे विदर से प्रजा की रक्षा करनी है और मैंने शब्द भेदी मान चलाना सीख लिया था। देवी हमारी अयोध्या में एक रात्रि एक अंधे तपस्वी तपस्विनी आए। उनका पुत्र श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधा पर पलकी में बैठा कर लेकर के आया था। आधी रात का समय था। उन अंधे तपस्वी तपस्विनी को प्यास लगी हुई थी और वे सरजू के किनारे रुक गए थे। देवी अपने पुत्र को उन्होंने जल लेने के लिए भेजा था। आधी रात के समय पर जब उसने श्रवण कुमार ने सरजू जी में अपना जल पात्र रखा, पानी पात्र में जा रहा था, हवा बाहर निकल रही थी, गुड़गुड़ाहट की आवाज हो रही थी और मैं इसी ताक में बैठा था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों व्याघ्र जरूर सरजू जी में जल पीने के लिए आएगा और जब जल पीने के लिए आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। और जब पात्र की गड़गड़ाहट की आवाज हुई मुझे लगा कि व्याघ्र तो नहीं है और मैंने शब्द भेदी बाण मारा और देवी और शब्द भेदी बाण उस तपस्वी कुमार को लग गया। चित्कार करके वही घायल हो गया। जब तक मैं पहुंचा सरजू किनारे तब तक सरजू जी का जल पूरा लाल हो चुका था। उस तपस्वी कुमार ने मुझे पूछा था कि आखिर मेरा अपराध क्या जो आपने मुझे मार मारा, आखिर कोई तो अपराध, भूल मेरे से हुई थी, मेरे मुंह से बोली नहीं निकलती थी। तपस्वी कुमार का श्वास निकलने वाला था, अंतिम श्वास निकलने वाला था, लेकिन उसके पहले उसने मुझे एक बात कही कि मेरे अंधे माता पिता किनारे पर बैठे हुए वे प्रतीक्षा कर रहे कि श्रवण कुमार पानी लेके आए तो हम पीवी। युवराज मैं कैसा अभागा हूं, अपने माता पिता को अपने हाथ से पानी नहीं पिला पा। क्षमा करना, मैं आपको कष्ट देता हूं, जल्दी से मेरे माता पिता को जल पिलाना, जल पिलाने के बाद फिर बताना कि अब श्रवण कुमार नहीं रहा। कहीं उसने जल का पात्र मेरे हाथ में दिया, प्रणवाक्षर को स्मरण करते हुए हमेशा हमेशा के लिए सो गया। मैं जब जल लेकर के गया अंधे तपस्वी के सामने में, वे दोनों बहुत प्यास के मारे तड़प रहे थे और बार बार कहते थे कि श्रवण कुमार इतने विलंब क्यों कर दिया तुमने, तुम्हें नहीं पता था कि हम प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, तुम बोलते क्यों नहीं। मैं जानता था मैं श्रवण कुमार नहीं था और यदि मैं बोलूंगा तो पूछेंगे श्रवण कुमार कहां और फिर पानी नहीं पिएंगे। मैंने उस तपस्वी के हाथ में पानी दिया, उन्होंने कहा श्रवण कुमार तुम नहीं हो, यदि तुम श्रवण कुमार होते तो जरूर इतना मेरे बोलने के बाद जवाब देते, दुष्ट सच बता कौन है तू। और मुझे बताना पड़ा मैं तुम्हारे पुत्र का हत्यारा युवराज दशरथ हूं। उन दोनों अंधे तपस्वी तपस्वी ने सरजू जल हाथ में लेकर के मुझे श्राप दिया था। आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे चक्रवर्ती, युवराज ऐसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में ऐसे तड़प तड़प के मरेगा, ऐसे ही तू तड़प तड़प के मरेगा, ऐसे ही तू तड़प तड़प के मरेगा। उन अंधे तपस्वी तपस्वियों के शब्द आज भी मेरे कान में गुजरे हैं
उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वशिष्ठ जी ने मुझे कहा था कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, और मैंने सोचा कि श्राप के बहाने से ही पुत्र तो हो संतान तो हो। कैकेयी कोई बात मालूम है? और कैकेयी का इरादा देखो, कैकेयी की दूरदृष्टि देखो, कैकेयी को पता है कि पुत्र के वियोग में मृत्यु होगी। और जब चारों पुत्र विवाह करके जनकपुर से अयोध्या आए, उसी समय चारों पुत्र वधु को देखकर के कैकेयी फूट फूट के रोने लग गई, क्या मेरी पुत्र वधु विधवा होंगी, तब इनका प्राण निकलेगा, श्राप है ना, पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मरेगा, इसका मतलब क्या मेरी चारों पुत्र वधु विधवा होंगी। कैकेयी ने निर्णय लिया, मुझे तो विधवा होना ही है, बाद में होना है पहले होना होना है, इसलिए पुत्रों का वियोग मैं कराऊंगी चाहे जैसे होवे। और भरत शत्रुघ्न को अपने पीहर भेज दिया कि जब तक मैं नहीं बुलाऊं, जितना भी समय बीत जाए आना नहीं लगे। ननिहाल कोई 12 साल रहता है, राम लक्ष्मण जैसे भाइयों को छोड़कर भरत जी 12 साल तक ननिहाल में रह गए, ये आश्चर्य है। लेकिन कैकेयी का विशेष आदेश है कि जब तक मैं यहां से कोई बुलाने नहीं जाए, खबरदार आना मत। दो पुत्रों का वियोग हो गया, और अब दो पुत्रों का वियोग और होना है। और वो कैकेयी मौका देख रही थी, किसान मौका देख करके बीज डाले तो खेती अच्छी होती है, बिना मौके के बीज डाले तो सूखा पड़ जाता है। आज कैकेयी को वो मौका मिला, जिस मौके में भरत शत्रुघ्न के साथ साथ राम लक्ष्मण को भी कहीं भेज दिया जाए और चारों पुत्रों के वियोग में इनकी मृत्यु हो जाए, श्राप पूरा हो जाएगा, कम से कम मेरी चारों पुत्र वधुएं सुहागिन रहे, मेरी चारों पुत्र वधुएं सुहागिन रहे। कैकेयी को कोई समझ नहीं पाया, लेकिन कितनी दूरदृष्टि है कैकेयी की। एक कारण और है ये घटना घटाने का। जहां स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन अवश्य नरक अधिकारी, जिस राजा की प्रजा दुखी रहे वो राजा नरक का अधिकारी होता है। और रावण का दुर्दांत अत्याचार इतना फैल चुका, रावण के पालित उग्रवादी लोग बक्सर तक आ चुके थे और अब अयोध्या कोई ज्यादा दूर नहीं रहा था। अयोध्या में आ गए होते, बीच में काशी और शिव का त्रिशूल नहीं होता तो रावण के उग्रवादी अयोध्या तक आ चुके होते। ये चक्रवर्ती हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर इनका राज्य है और प्रजा रावण के अत्याचारों से त्राहि त्राहि कर रही है। यदि प्रजा को दुखी देखते हुए मर जाएंगे तो इनको नरक में जाना पड़ेगा, और मेरा राघव इतना समर्थ है उन दुर्दांत दस्युओं को दंड देकर के इनको नरक में जाने से बचा सकता है। इसलिए कैकेयी ने मांगा, चौदह बरस राम बनवास, चौदह बरस। कैकेयी का बड़ा अद्भुत चरित्र है। संसार की सब माताएं यही चाहती है भारत को टीका राम बन जाए। टीका का अर्थ होता ये नहीं, टीका का अर्थ टीका टिप्पणी। मेरी भारत की कोई टीका टिप्पणी करे तो करे, लेकिन मेरी राम की कोई टीका टिप्पणी नहीं करे। कल परसों अन्नपूर्णा में कोई भैया कह रहे थे किसी को कि हां यहां का नमक ही ऐसा है, यहां का ही नमक खाएगा और यहीं के नमक वो पतल में छेद करेगा, यहां का नमक ऐसा है।
जिसका नमक खाए उसी की नमक हरामी करेगा। हम किसी को कितना भी घी पिला दें लेकिन फिर भी लोग शिकायत ही करेगा कि ऐसे, फिर भी शिकायत करेगा। कहीं कहीं को लगा कि कोई भरत की टीका करे तो करे, लेकिन राम की टीका नहीं करे। पर लिखा है नसीब में, तो कोई क्या करेगा। आखिर धोबी ने की रामो नाम भजे पुनः, क्या बिगाड़ा था राम जी ने धोबी का। कोई भाई बंधु का बंटवारा था, कोई संपत्ति छीन ली थी, क्या किया था। फिर भी तो धोबी ने निंदा की ना। कैकेयी ने यही चाहा, भरत की टीका टिप्पणी कोई करे तो करे, लेकिन राम की टीका टिप्पणी कोई नहीं करे। तब राम बन जाए अर्थात वो अर्थ वो तो है, दूसरा अर्थ है राम कुछ बन जाए, बिगड़े नहीं बन जाए। और व्यक्ति बनता कब है, जब किसी संत के चरण में बैठता है तब कुछ बन पाता है। इसलिए हमारे यहां पुरानी प्राचीन परंपरा रही, बच्चों को हम लोग किसी संत के चरण में अर्थात गुरुकुल में भेजते थे कि वहां जाकर के पढ़ो। जंगल में किसी संत के चरण में रहकर के पढ़ेगा तो जीवन में कुछ बन के आएगा। आज जब मास्टर को नौकर बना करके घर बुलाते हैं, उसको तनख्वाह देते हैं, वो भी हमारे बच्चों को उतना ही पढ़ाता जितने से कहीं बच्चे नौकर बन सके। चाहे प्राइवेट सेक्टर में नौकर बन जाए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में नौकर बन जाए, मास्टर भी उतना ही पढ़ाता है बच्चों को जितने से कहीं वो नौकर बन सके, मालिक बन सके ऐसा नहीं पढ़ाता है। पहले गुरुकुल में जाया जाता था, किसी संत की चरण धूल में अपना जीवन यापन किया जाता था। उसका परिणाम यह होता था कि बच्चे कुछ बन के निकलते थे। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर में उनका नाम लिखा जाता था। और कैकेयी ने निर्णय लिया कि ये यदि वन में जाए और वहां संतों के चरण में बैठे तो जरूर कुछ बन जाएगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, राम जी ने कहा सब ही भांति हित मोर, तेई मह पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तो। कैकेयी ने तो वरदान मांगे, दशरथ जी ने मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कैकेयी ने जिद ठान ली। हो तो प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम वन जाए मोर मरण राहुर अजस। ठीक से आप समझ लें इस बात को। अब तो दो में से एक को मरना पड़ेगा, एक को कलंकित जीवन लेके जीना पड़ेगा। और कैकेयी को तो कलंकित जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में एक संत का श्राप जो मिला था, पद्म पुराण की कथा है। महात्मा सोए हुए थे, दाढ़ी मूछ काले काले, बाल काले काले, मुंह बड़ा गोरा गोरा था। और कैकेयी बचपन में बहुत छोटी अबोध शिशु, कुछ समझती नहीं थी, और उसने कलर मैच करने के लिए कोयला घिस करके मुंह पर काले पोत दी थी, और संत ने श्राप दिया था, तूने मेरे मुंह पर कालिक पोती है, एक दिन तेरे मुंह पर ऐसी, मेरी कालिक तो अभी धुल जाएगी पानी से धोऊंगा तो, लेकिन एक दिन तेरे मुंह पर ऐसी कालिक पोतेगी कैकेयी, जुग बदल जाएंगे तेरा मुंह धोते धोते, कल्प बीत जाएंगे तेरा मुंह धोते धोते, दुनिया में लाखों लोग तेरा मुंह धोने का प्रयास करेंगे लेकिन तेरा कलंक नहीं मिट पाएगा। और कैकेयी फुट फुट के रोने लगी थी। महात्मा ने कहा बस हो गया, रिपेंट इज द बेस्ट पनिशमेंट, प्रायश्चित बहुत अच्छी सजा, तुमने प्रायश्चित कर लिया, तुमसे भूल से अपराध हुआ, मैं क्षमा करता हूं, जिस हाथ से तुमने मेरे मुंह में कालिक पोती ये हाथ तेरा वज्र के समान हो जाएगा, और एक दिन इस हाथ से तेरे सुहाग की रक्षा होगी।
वही हाथ के कई ने रथ की धुरी में लगाया और दशरथ जी ने दो वरदान देने के लिए कहा था, आज वही दो वरदान के कई ने मांगे और दो वरदानों ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। हठिले तूने ये क्या वर मांगा, हठिले तूने क्या वर मांगा, कहके तूने ये क्या वर मांगा, कहके तूने ये क्या वर मांगा, अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, नयन पुतरी करी पाला जिसको, नयन पुतरी करी पाला जिसको, वन में काही निकाला उसको, वन में काही ये क्या गोला दागरे, अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, अभागिन तूने ये क्या वर मांगा। या तो आज तक मैं झूठ सुनता रहा या तो आज तू झूठी हो गई। कहती थी तू सांझी सवेरे, कहती थी तू सांझे सवेरे, भरत नहीं राघव है मेरे, भरत नहीं राघव है, अब क्या हुआ तेरा घरे अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, ठेले तूने ये क्या वर मांगा, बढ़ते दशरथ जी ने कैकेयी के दोनों पैर पकड़ लिए। मैं तेरे पैर पकड़ करके भीख मांगता हूं कैकेयी, मेरे ऊपर नहीं तो कम से कम अयोध्या पर तो तू कृपा कर। राघव मत जाने दी वन में, राघव मत जाने में, अब भी सोच समझ ली मन में, अब भी सोच समझ ले मन में, कह यदि तुमने मेरा कहना नहीं माना तो याद रखना जीवन भर पछताएगी। और ना तो होवे ना तो होवे अवध अभागरे, हठिले तूने ये क्या वर मांगा, हठिले तूने ये क्या वर मांगा। एक बात जानती हो तू, राम संग सीता भी जय है, राम संग सीता भी जय है, लक्ष्मण हो नहीं अवध में रही है, लक्ष्मण हो नहीं अवध में रही है।
यदि राम बन गए तो सीता को कोई रोक नहीं पाएगा, और यदि राम सीता दोनों मन में चले गए तो लक्ष्मण मर जाएगा लेकिन रहेगा नहीं। कैकेयी, इतने से ही गाड़ी रुकने वाली नहीं है, सारा अयोध्या इनके पीछे पीछे जंगल में चला जाएगा। जय है सब संग लगारे हठिली तूने ये क्या वर मांगा, हठिली तूने ये क्या वर मांगा, कह के तूने ये क्या वर मांगा, कह के तूने ये क्या वर मांगा, तूने दुख का कांटा बोया, तूने दुख का कांटा बोया, सिया अनुज का सर्वस्व खोया, सिया अनुज का सर्वस्व खोया, वन का भाग अब जगरे अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, अभागिन तूने ये क्या वर मांगा, दिल तूने ये क्या वर मांगा, दिल तूने ये क्या वर बड़ भागी वन अवध अभागे जही रघुवंश तिलक तुम त्यागे। रात भर दशरथ जी प्रार्थना मिन्नते करते रहे लेकिन कह कही टस से मस नहीं हुई, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अयोध्या के लोग आधे से राजमहल के बाहर में एकत्रित हैं, अब कोई खबर अभी आए, अब कोई खबर आए, ये हुआ क्या आज? सूर्योदय होने की तैयारी हो गई थी, पछले पहर पछले पहर भूप नित जागा, आज हम बड़ अचरज लागा, आज हम बड़ अचरज लागा,